नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वाड्रा से हिरासत में पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 268 ऊपर। जीएसटी परिषद घरों के कम दरों के लिए नियमों को मंजूरी देगी। चुनाव आयोग ने बंगाल में राहुल गांधी को रैली की अनुमति दी। निर्वाचन आयोग ने इंटरनेट कंपनियों के प्रतिनिधियों संग बैठक की। गोवा के नए मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला, शक्ति परीक्षण बुधवार को। गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी ने परिकर को बताया पिता समान। चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने हिजबुल के साथ आतंकियों की संपत्तियां जब्त की। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 79 हुई। लगातार छठे दिन घटे डीजल के दाम, पेट्रोल की महंगाई पर विराम। कर्नाटक धारवाड़ में बहुमंजिली इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, 50 लोग फंसे। विवेक ओबेरॉय ने मोदी की बायोपिक का दूसरा पोस्टर जारी किया। प्रियंका चोपड़ा विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शुमार।